हेलो व्यूअर्स, मैं प्रेमशीला कुमारी। आज मैं कढ़ाई मशरूम की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए बनाते हैं कढ़ाई मशरूम। कढ़ाई मशरूम के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, ये 200 ग्राम मशरूम है। इसे मैं गर्म पानी और नमक में 10 मिनट के लिए डाल दी हूँ। और दो तीन टमाटर को मैं कट कर ली हूँ। ये दो प्याज है और ये दो शिमला मिर्च को इस तरह से मैंने कट किया है। और दो प्याज को मैं ये खोल कर रखी हूँ। थोड़ी सी धनिया पत्ता है ग्रीन, और इसके लिए चाहिए मैं एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा राई है तड़के के लिए, एक कसूरी मेथी है, तीन हरी मिर्च है, दो लाल मिर्च और चार से पाँच कड़ी पत्ता, एक तेज पत्ता, ये पाँच से छः मैंने लहसुन लिया है, थोड़ा सा जीरा और चार पांच काली मिर्च ली हूँ, और इतना सा मेरा ये है अदरक है, अदरक का टुकड़ा, इसे पीसूंगी। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, इधर कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें मैं तेल डालूंगी, थोड़ा ही तेल डालूंगी, और इसमें जीरा डाल दूंगी। ये जीरा हमारा तड़क गया। अब मैं इस प्याज को डालूंगी, इसे हल्के ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूंगी। जी, प्याज ब्राउन हो चुका है, इसमें मैं लहसुन अदरक डालूंगी, हरी मिर्च दो डालूंगी इसमें, और ये जो टमाटर मैंने काट कट करके रखा है इसे भी डालूंगी, और इसे भी अच्छे से फ्राई करूंगी। जब तक टमाटर गल ना जाए तब तक इसे फ्राई करते रहेंगे। देखिए ये हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब गैस को मैं बंद करूंगी और ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे इसे। जब तक प्याज टमाटर ठंडा हो रहा है जो फ्राई किए थे, उस तब तक मैं ये शिमला मिर्च को थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ और प्याज को, क्योंकि मशरूम जल्दी पक जाता है। ये मशरूम को भी मैं कट कर ली हूँ, देखिए लंबे लंबे मैंने कट किया है। तो कढ़ाई में रख दी हूँ चूल्हे पर, ये गर्म हो रहा है। मैं तेल डालूँगी और इसमें प्याज और शिमला मिर्च दोनों मैं एक साथ डाल दूँगी। और इसे करें 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे, ये थोड़ा पक जाएगा। फिर मैं गैस बंद कर 10 मिनट करीब, 5 से 7 मिनट करीब पकाएंगे इसे। ये फ्राई हो चुका है देखिए इस तरह से। अब इसे मैं ये प्लेट में निकाल लूँगी और इसी में मैं मसाले को फ्राई करूँगी। इस तरह से हमें फ्राई करना है, इस तरह से मैं निकाल ली हूँ। और इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा और तेल डालूंगी और तड़के वाले ये राई है, राई डालूंगी, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च और ये तेज पत्ता, इसे डाल के इसे पका कर, और इसमें जो मैंने मसाला पीसा था उसे डाल दूंगी। मेरी बाकी जो मसाले हैं ये सारे को मैं डाल दूंगी एक साथ, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक तेल ना छोड़े कढ़ाई से तब तक इसे लो मीडियम फ्लेम पर करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आप कम ज़्यादा नमक है उसके अनुसार डालिए और फ्राई कीजिए इसे अच्छे से। अच्छे से फ्राई हो रहा है, मैं इसमें थोड़ा नारियल पाउडर डालूंगी। आप ये देखिए नारियल का पूरा है, आप अपने डाल सकते हैं, और ये नहीं है कि आप डालना ज़रूरी भी है, ये ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें ना डालें। बाकी सामग्री तो डाल ही रहे हैं,
मुझे नारियल का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ नारियल पाउडर। अगर फ्रेश नारियल है तो उसे कद्दूकस करके आप पीस सकते हैं। ये मेरे पास पाउडर था तो मैं डाली हूँ। मसाला भुना चुका है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो पानी डाल चुके हैं, इतना पर रहेगा। और इसमें मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी। और जो मेरा ये मशरूम है इसे भी डाल दूंगी। ये डाल दीजिए, देखिए अभी से कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत टेस्टी लगेगा। और इसे कम 10 मिनट, 10 से 12 मिनट आप लो फ्लेम पर इसे अच्छे से ढक कर पकाएं। ये जल्दी पक जाता है मशरूम है, और शिमला मिर्च तो फ्राई किया हुआ है, वो भी पका हुआ नहीं है। ढक कर पकाएंगे 10 से 12 मिनट। देखिए कढ़ाई मशरूम बनकर तैयार हो गया है। अब मैं गैस को बंद करूंगी और सर्व करूंगी। गैस को मैंने बंद कर दिया और अब मैं इसे सर्व करूंगी, निकालूंगी प्लेट में। देखिए इस तरह से हमारा कढ़ाई मशरूम तैयार हो चुका है, तो चलिए सर्व करते हैं। देखिए ये मैं सर्व कर दी हूँ, मेरा बन चुका है ये मेरा मशरूम सब्जी, और बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत टेस्टी लगेगा। मैं इसे थोड़ा सा घर की मलाई से जो दूर होती है उससे मैं इसे थोड़ा सा गार्निश करूँगी, बस थोड़ा सा ही, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप करें ही। इसे थोड़ा सा मैं इसे गार्निश करूँगी अच्छा दिखने के लिए। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये घर में जो हम दूध लाते हैं उसी की मलाई है। इसे थोड़ा सा चम्मच से फेंट लीजिए और कीजिए ऐसे, नान रोटी चप पराठे पूरी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और घर में ज़रूर बनाइए। और टेस्ट अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए अगला वीडियो जल्दी देखने के लिए। थैंक यू।